साथ इस वक्त जुड़े हैं सुरेंद्र चौधरी, और सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं बैक्ड बाय कांग्रेस, क्योंकि अलायंस में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, नौशहरा से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुरेंद्र जो चौधरी हैं उनका मुकाबला है रविंदर रैना से। बीजेपी के जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, कांटे का मुकाबला दोनों का है। कई और कैंडिडेट भी हैं, पीडीपी से भी हैं, बीएसपी से भी हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जॉइंट कैंडिडेट सुरेंद्र चौधरी और रविंदर रैना के बीच में है। सुरेंद्र चौधरी सुबह से लगातार पोलिंग बूथ्स पर जा रहे हैं, कई जगहों पर ये घूम के आए हैं। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपको, हाउ इज़ द जोश? जोश तो बरकरार है, लेकिन थोड़ा सा बीच में अफसोस भी हुआ कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किया था उसने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगा। जब हम शुरू पोलिंग स्टेशन में निकले तो जो हालात मैंने अपनी आंखों से देखे और खुद जहां मैंने वोट डाला वहां एसएसबी का जो एसएसबी थी उसका रोल बड़ा नेगेटिव था, और फिर हमने जो कंप्लेनें की उसके बाद थोड़ा सा सुधार हुआ और दो तीन स्टेशनों में थोड़ा सा हमें राहत दिक्कत रही। और जहाँ तक ताल्लुक है कि जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट है वो 10 साल में इन इलाकों में नज़र नहीं आया, वो बड़ा हाई प्रोफाइल, आपने ठीक कहा, हाई प्रोफाइल शीट है, शीट हाई प्रोफाइल नहीं है, जो यहाँ से कैंडिडेट बीजेपी का है वो बड़ा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि हमने यहाँ से लोगों ने जिता के उसको एमएलए भेजा था, लेकिन वो जाके गाने गाना शुरू हो गया, और गाने का मकसद नहीं था हमारा यहाँ, जब नौशहरा के लोगों ने गानों के लिए नहीं भेजा था, नौशहरा के लोगों ने अपनी तामीर और तरक्की के लिए भेजा था, नौशहरा के बच्चों ने अपने रोज़गार के लिए भेजा था। यहाँ बड़े मसले हैं बिजली और पानी के, यहाँ खड़े हैं, यहाँ पानी लोग खरीद के पीते हैं, और ये इलाका किसका है आप जानते हैं, और यहाँ रहने वाला कौन है आप जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक है इस इलेक्शन का, हमने उम्मीद की थी कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, बट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हम अगर इसको रैंकिंग करें, रेटिंग करें, तो 100 में से अगर नंबर देने हों तो हम ये कहेंगे कि ये 40% फेयर है और 60% अनफेयर है। तो इसलिए मैं इस इलेक्शन को ठीक है, लेकिन हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अगर वो इंटरवीन ना करते तो शायद आज ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी ना होता, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि 5 साल हो रहे ऐसे निकल जाएँ, और जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो आप जानते हैं। तो आप क्या सीधा सीधा रिगिंग का चार्ज लगा रहे हैं क्या? मतलब आपका क्या आप रिगिंग का चार्ज लगे, या आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को फेवर करने के? एक रिगिंग होती है बोगस वोटिंग डालनी, एक रिगिंग होती है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सपोर्ट करती हो, और यहाँ आपने रात को कल जो ड्रामा देखा, हमने कंप्लेंट्स की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, लोगों ने गाड़ियाँ पकड़ी, लेकिन किसी ऑफिसर ने, इवन के ऑफिसर मौके पर पहुंचे भी, लेकिन कोई किसी ने नहीं किया। DIG रजौरी पहुंचे, हम साहब कहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व था, SSP रजौरी था वो इसमें इन्वॉल्व था, DC रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर था वो इस पूरी आप ये कहें कि जो ये हालात बने इसमें वो भी इन्वॉल्व था। किसी भी ना हम कहें नौशहरा की पुलिस जो देखें, SHO को देखें, आप देखें DSP को देखें, एडिशनल SP को देखें, पूरा एक सिस्टम था, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी, पूरी की पूरी एट द डिस्पोजल ऑफ कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट ऊपर थी। कैंडिडेट जैसे चाहता था वो फ़ोन करते थे, वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी। हमारे लोगों को हम हैरान हैं कि हमारे लोगों के गाड़ियाँ चेक की गई, जबकि हमारे गाड़ियों में ना पैसा था ना इनको शराब मिली, बट हाँ बीजेपी ने अपनी वैसे हमारी गाड़ियों को अपनी शराब दी। लोकल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नौशहरा में अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग है, और अमित शाह जब आए थे उन्होंने उनको कहा, आपको लगता है कि उनका जो आना और प्रॉमिस करना उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो? देखिए समीर जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सालों साल मैंने आपको देखा कवरेज करते हुए, ये मजाक था नौशहरा के लोगों के साथ। अमित शाह साहब, ये हमारा जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी का, इसकी बातों में आके वो मजाक करके चले गए नौशहरा के लोगों से। आपको याद होगा चंद्रोज पहले लद्दाख भी तो UT है, जम्मू कश्मीर को भी तो UT बनाया। अगर आपने लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट दिए तो अमित शाह साहब को किसने रोका था कि 6ठा डिस्ट्रिक्ट आप नौशहरा को दे दीजिए? और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का था, क्या प्रदेश अध्यक्ष वहाँ प्लीड नहीं कर सका? जो यहाँ से मेरा मुकाबले में जो कैंडिडेट है, क्या ये वो कह नहीं सका कि जनाब नौशहरा की आंदोलन आप जानते हैं 53 डेज चला, और वो आंदोलन जिसमें हमारे बच्चों की आँखें निकली, हमारे बच्चे काने हो गए, लोगों की हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई, तो आज क्या मिला? लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, रेडी फड़ी वाले, मिठाई वाले, 53 दिन बहुत होते हैं एक बिजनेसमैन का दुकान बंद करना, और जब ये पूरी दुकानें बंद हुई, जो बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट था उस किसने उसको रोका था कि आप डिस्ट्रिक्ट मत दें, चाहे वो आप इधर बनाते कहीं बनाते तो सही। वो तो कह रहे हैं कि अब बनेगा जब आप तो वो पहले बताए कि लंबेडियम बनाना निशाना बनाना है, यहाँ लंबेडियम के लोगों को कहता है कि भाई जो यहाँ का कैंडिडेट है बीजेपी का, अजय सुरेंद्र चौधरी अगर जीत जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट निशाना ले जाएगा। हम ये पूछते हैं पहले बताया ऑर्डर कहाँ डिस्ट्रिक्ट का,
डिजिटल पहले खुद फैसला, अब उसने खुद कहा निशारा में बनेगा, अब लिमिडी के लोगों को उसको जवाब देना चाहिए कि भैया तू तो कहता था मैं लिमिडी में बनाऊंगा, अब तो निशारा कहाँ से आ गया। तो ये सारा वोट बैंक की राजनीति है, प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम वोट अमित शाह साहब सबके मुंह से करवाएंगे। लेकिन मैं अमित शाह को बड़े आदब से कहूँगा कि जनाब आपने इस हरकत में नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर आप सही मैंने ईमानदार थे निशारा को डिस्ट्रिक्ट देने में, तो फिर आप जब निशारा में आए थे, जब आपने 5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख ड्यूटी को दिए, तो एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की निशारा को एक डिस्ट्रिक्ट देना, क्योंकि आपका प्रदेश अध्यक्ष निशारा से था। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे जिस तरह से टारगेट बीजेपी ने किया है और खासकर शंकराचार्य और बाकी जो इश्यूज उन्होंने उठाए और ये भी कहा कि स्टोन पेल्टर्स को रिहा करने के बाद, मैं एक बात आपको बोलूंगा, 2014 का इलेक्शन आपने कवर किया था जब मैं यहाँ से पीडीपी का कैंडिडेट था, यही बीजेपी का अच्छी मेरी खुशकिस्मती है कि यही कैंडिडेट मेरे मुकाबले में आया। आप उसमें टफ मुकाबला था, उसमें बड़ा टफ था। तो जब वो मुकाबला हुआ तो यहाँ बीजेपी के ये लोग क्या प्रचार कर रहे थे कि पीडीपी जीत जाएगी तो यहाँ उग्रवाद आ जाएगा, पीडीपी के अगर सुरेंद्र चौधरी जीत गया तो उग्रवादी निशारा में बाजारों में गन्ने लेके घूमेंगे। मुझे बताएं इलेक्शन जब खत्म हुआ 2 महीने के बाद सरकार किसकी बनी थी? पीडीपी और बीजेपी की बनी थी ना। तो ये सिर्फ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, समीर साहब आपने खुद पढ़ा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे लोगों को, 12 सिलेंडर फ्री देंगे लोगों को। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा ये 5 किलो राशन देते हैं, हम 35 किलो द्वारा देंगे और साथ में मिट्टी का तेल और चीनी भी देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी कहा है 1 लाख बेरोजगार बच्चों को हम रोजगार देंगे। इनको 10 साल में किसने रोका था यहाँ रोजगार देने में? आप चाहे कहीं जिस लिमिडी में जहाँ खड़े, आप इन्हीं यहीं के बच्चों को पूछ लीजिए घर, और हाईली क्वालिफाइड जो बच्चे अगर हैं कहीं तो इस लिमिडी के अंदर हैं। और ये बच्चे आप मत सोचें ये ओनली BSc हैं, PhD, MSc, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियाँ इनके पास बच्चों के पास हैं। लेकिन जो लंबेड़ी में कहीं बीजेपी के लोग अगर यहाँ बच्चों को रोजगार नहीं दे सके तो वो पूरे निशारे को क्या देंगे और पूरे जम्मू कश्मीर को देंगे? इसलिए मैं आपको कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में वही ये कहते हैं नहीं जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है पाकिस्तानी है। वो भैया जो मैं लेके आता हूँ वो पाकिस्तान होता है। 2 महीने पहले MP का इलेक्शन हुआ था ना, जो जिस बैट को इन्होंने वोट दिलवाया था बीजेपी वालों को, उनको पूछो जो बीजेपी वाला था उसने कौन सा, जो जिसको बैट वाले को आपने वोट दिलवाया था उसने कौन सा जनेऊ पहना हुआ था, वो कौन सा सनातनी था? जफर मनास कौन है? मुसलमान नहीं है क्या? अगर मैं मुसलमान की पार्टी में हूँ तो जफर मनास मुसलमान नहीं था? इसी जो कैंडिडेट बीजेपी का यहाँ निशारा से है, मैं इसको पूछता हूँ जवाब दे पहले लोगों को, तूने क्यों बैट के ऊपर वोट दिलवाया? इसलिए ये सब दूध का। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या रोड मैप रहेगा? लास्ट सवाल है, रोड मैप तरक्की के लिए, रोड मैप एम्प्लॉयमेंट के लिए। हमारा सबसे जो उमर साहब यहाँ चांद रोड पहले आए हैं, आपने कवरेज नहीं किया, उन्होंने कहा जैसे पहले 1 लाख रोजगार की वहाँ उन्होंने बात की, बिजली की बात की, पानी की बात की, आपने जहाँ हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट पुलिस की होती है उन्होंने कहा द्वारा मैं DG से यहाँ जब हमारी सरकार आएगी हम DG की पूरी भर्ती इस इलाके में कराएंगे। काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो जिसमें हम जैसे सबसे बड़ा खेलो इंडिया किसने पैदा किया? ये बीजेपी के दौर में आया। नौशहरा का स्टेडियम देख लें, ये लंबेड़ी का स्टेडियम देख लें, दोनों स्टेडियम को कंपेयर कर लें, ना ये बना ना वो बना। और आपने गांव गांव में लोग बच्चों को कहा था हम खिलाएंगे, क्या खाली नौशहरा और लंबेड़ी के बच्चे हैं? पारतराड़ के बच्चे हैं, बगनोटी के बच्चे हैं, राजल के बच्चे हैं, और जितने पिछड़े वैष्णो नौशहरा में चले जाएँ, आप शेरी में चले जाएँ, आप कांगड़ी में चले जाएँ, उधर क्या आपने तो खुद कहा गाँव गाँव में स्टेडियम बना, तो इन्हीं को पूछे ना जी यहाँ से कहते हैं। मेरा रोड मैप तो बाद में आएगा, पहले इनका पूछ ले कि आपने तो वादा किया था हम PhD वालों को पक्का करेंगे, आपको याद होगा इन्होंने PhD को वादा कहा था। और अभी मेरा दोस्त, मतलब लास्ट में पूछना चाहूंगा कि मुकाबला टफ है कि आप जीत गए लगता है? नहीं ये तो लोग बताएंगे, आप लोगों से पूछे, मैं नहीं कहूँगा। मैं आपको पता है मेरी आदत, मैं अपने में मीठू कभी नहीं बनता। लेकिन आप एक हवा देखें, निशारा में जाकर देखें, निशारा बाजार में देखें और ओवरऑल देखें, और ये वो इलाका है जहाँ से आज मुझे वोट मिला है, लंबेड़ी शमेड़ी बगनोटी, जहाँ मैं 2014 में मुझे वोट ही नहीं मिले थे, इन लोगों ने मेरा झंडा ही लगाया था। आज देखें घर घर में झंडे हैं यहाँ पे, इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं जो यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट है उसके खिलाफ, क्योंकि मैंने देखा झंडे नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के एक ही जगह लगे हैं साथ साथ, तो ये साथ साथ तो आगे तो नहीं होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लोगों ने दिल से लगाए तो बीजेपी वालों ने जोर से लगाए। अब उसमें ये दोनों में आप फैसला कर लें, लोगों को पूछे ना आप निशारा बाजार में जाएं, हमने पहले झंडे लगाए, दूसरे दिन इन्होंने जाके एक झंडे हमारे झंडे किधर लगा दिए, किधर लगा झंडों से। मैंने कहा ना कि मैंने जो 2014 बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल के जिस तरह PDP और BJP आई थी, नहीं जब हम देखिए हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर का कत्ल इन्होंने किया, हमारी स्टेट को स्टेट से UT बना दिया, 370 तोड़ा, इन्होंने कहा था रोजगार आएगा, पैसा आएगा, आया क्या? कुछ नहीं आया। तो इसलिए ये इन्होंने इनसे अलायंस कहाँ, जो हमारी बात ही नहीं मिलती इनसे। 370 वापस अगर बिहार स्टेटस स्पेशल मांग रहा तो हम क्यों दें? हमें 370 किसी सरकार ने दिया था, हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया था,
तो इसलिए महाराजा हरि सिंह का जो स्टेटस है हमें वही वापस चाहिए। धन्यवाद सुरेंद्र चौधरी। रविंदर रैना के एक मुकाबले में खड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि चुनाव ये जीतेंगे। रविंदर रैना पे टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया एज एन MLA, एज ए BJP प्रेसिडेंट भी, और इसलिए इनको पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इस बार ये चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन आशु के साथ समीप भट्ट, न्यूज़ 18, नौशहरा, राजौरी।